it is very creative and very nice. Peek through the hole. I think everyone must go and see it. Very nice. कि आप किस तरह कॉन्टेक्स्ट बनाते हो किसी चीज का. The whole different experience, I did like it. It was good. It was interesting. आइए आपका इंतजार था. इसमें मीट लॉफ है, ठीक है, फ्राइज है और सॉसेज है. गुड मॉर्निंग जी एंड अस्सलाम वालेकुम. आई होप कि आप खैरियत से होंगे और हम भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. और रात हमारी बड़ी लंबी गुजरी, मतलब डिस्कशंस चलती रही हमारी काफ़ी देर तक और फिर सोए और अभी जाके कुछ 2 बजे आँख खुली है मेरी. तो अभी कुछ एडिटिंग का काम मैं हल्का फुल्का कर रहा हूँ, नाश्ते का वेट कर रहे हैं. और जो हमारा काम था लाहौर में वो भाई नहीं हो सका, लेकिन हमने एक और प्लान कर लिया जिसका बहुत मज़ा आने वाला है. BNU में भाई थीसिस का डिस्प्ले हो रहा है, तो वी जस्ट थॉट के भाई BNU का एक चक्कर बनता है. तो अभी हम नाश्ता करके निकल रहे हैं BNU, तो हम दिखाते हैं आपको वहाँ का माहौल. ओके, शलजम पराठा एंड ऑमलेट. तो जी राइड हमारी आ चुकी है. माशाल्लाह से हमें जो आज भाई मिले हैं उन्होंने हमें एक बड़ी मजे की अपनी स्टोरी बताई है. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं एंड ड्राइव चलाता हूँ. तो मेरे साथ जो पेशेंट बैठते हैं, अमीर है, गरीब है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्टल से घर, आज तक मैंने उनसे कोई फेयर नहीं लिया. कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने उनसे पैसे लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह से यही नहीं, कोई बंदा कह दे कि मैं पेशेंट और मैं मेडिसिन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो भी अपनी जेब से लेकर देता हूँ. मैं किसी से कभी, कोई मेरी NGO नहीं, कोई चंदा नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह की ज़ात से मैं अल्लाह से तिजारत करता हूँ. जुमे को रात 1 से सुबह 10 बजे तक और इतवार को रात 1 से 10 चलाते ही पेशेंट के लिए. इस दौरान दूसरी राइड्स भी आ जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये पेशेंट के लिए मैंने गाड़ी रखी हुई है. जी माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी और बड़ी मोटिवेशनल बात है कि मतलब ऑब्वियसली मैं फिर यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोग होते हैं सोसाइटी में जिनकी वजह से सोसाइटी बैलेंस रहती है, ठीक है. तो ही इज़ वन ऑफ देम और बड़ा मज़ा है यार भाई से मिल के, ठीक है. तो भाई अल्लाह आपको और अजर दे. अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह. तो आप लोगों के लिए भी मैसेज है, जो भी आपके सराउंडिंग में आपको कोई गरीब, कोई पेशेंट, कोई भी जो लगता है यार जिसको मतलब जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी हेल्प आप ज़रूर करें. इसी के साथ हम BNU पहुंच चुके हैं और भाई को अल्लाह हाफिज़ करते हैं. भाई बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच. अर्बन अब्यूज़ जो है ना, उसको उसने आर्किटेक्ट के अंदर शो कराने की कोशिश की है. अपने स्कल्पचर से बेसिकली ये शो कराया है कि कम्प्लेक्स नहीं है, यूनिवर्स इतनी कम्प्लेक्स है, यू नेवर नो व्हाट्स देयर. ओके, ये सीन क्या चल रहा है? ये नाइटमेयर है, नाइटमेयर. यार बेसिकली ना मुझे जो इनका थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा मज़े का लगता है. लाइक एक डिफरेंट माइंड सेट को सोच के फिर उसको उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना, दिस इज समथिंग. तो उसने ये लोगों पे छोड़ दिया कि आगे ये कंप्लीट करो, एंड पीपल आर जस्ट यू नो एनी आगे कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं, कोई भी सही नहीं लगा रहा. भाई नहीं है सही, कुछ भी नहीं सही. पुरानी टेक्नोलॉजी ढूंढ के रखी है भाई, वेरी नाइस. चेक करें जी,
check this out and this one. Here's another one. Wow, yeah. कमाल की कलेक्शन, पता नहीं कहाँ से इकट्ठी करके रखी है यार। और ये सारी जो पीछे नज़र आ रही हैं ये फ़ोटोज़ हैं, मतलब पुराने दौर की जितनी भी, मतलब एट द स्टार्ट जो फोटोग्राफी थी उसमें से ये सारी ये दिखाई दी। It was amazing, यार बड़ा creative था, I liked it. Okay. I am from SNC journalism and this type of creativity can never come out from me. So I feel like it is very creative and very nice. I really like it. It was really nice and very informative. और सबसे जो एक अच्छी चीज़ सीखने को मैं मिली थी इसको देख के, being a student myself, कि आप किस तरह context बनाते हो किसी चीज़ का और आप किस तरह उसको represent करते हो. Installation आप लोगों की बहुत कमाल थी. Exactly. और बस ये really like a whole different experience. I really liked it. Thank you. It was good. It was interesting. I got to learn and see a lot of new ideas. It was a very cool experience and I think everyone must go and see it, because the exposure you get and the opportunity that they have provided is really cool. यार अच्छा था, it was very nice to see के BNU के master student at least graduate से तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं. और other than that it was very nice, मैं खुद भी TFT कर रहा हूँ यहाँ पे, तो it's an artistic feel, तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि ना बड़ा मज़े का काम हो रहा है यहाँ पे. तो यार सिर्फ इतना सा डिस्प्ले था इनका, क्योंकि सिर्फ एक डिपार्टमेंट का था और मास्टर्स का था सिर्फ, तो क्वान्टिटी नो डाउट मतलब बहुत थोड़ी थी, लेकिन क्वालिटी बहुत मज़े की थी. और मतलब टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नज़र आए और बड़ा अच्छा उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हुई थी, तो मज़ा आया यार ओवरऑल. BNU की एक वाइब भी अच्छी है. तो सियाल इंटरचेंज पे रुके थे और अब तक का सफ़र तो बड़ा कंफर्टेबल रहा है, मतलब बिल्कुल भी पता भी नहीं चला. 2 घंटे गुजर गए और हम तो वैसे भी लैपटॉप पे लगे हुए थे अपना एडिटिंग के सीन में. और यार सर्विस इनकी ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं नज़र आई, हालांकि डाइवो की ये सबसे अच्छी वाली सर्विस है, इसमें कोई वो स्क्रीन वगैरह नहीं लगी हुई थी. तो पता नहीं होती भी है कि नहीं इसमें, बाकी शायद वो फैसल मूवर्स वगैरह वाली में होती हो, अगर आपको पता है तो बताइएगा, लेकिन हमें स्क्रीन से क्या, हम तो अपनी स्क्रीन पे लगे हुए थे स्कूल से. तो लेट्स गो. टोटली वेदर चेंज हो गया जी यहाँ पे, ठंडा ठंडा सीन ऑन हो गया है. लैंड कर गए हम और नेक्स्ट पहुँचते हैं अब कज़न के घर, फिर जाके सुकून आएगा. तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं हम हमजा भाई के पास. दो जब वो जो है ना वो अफगानी बर्गर चिकन है जी. 1 घंटे बाद हमने कॉल की है और अब जाके हमारा ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, तो ये भी ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद है. और मंगवाया नजीब स्पॉट हुआ है. ओके, अफगानी बर्गर मुझे नहीं पता, अभी खा के हम बताएंगे कि कैसा था. आइए आपका इंतजार था. 1 घंटा 40 मिनट बाद जाके हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है. तो वैसे जब ऑर्डर किया था उस टाइम पे मैं उसे यही कह रहा था कि भाई भूख नहीं है इतनी, लेकिन जो इंतज़ार में अब इतनी शदीद किस्म की भूख लग चुकी है ना, तो अब मज़ा आएगा. तो जी ये सीन है, इसमें मीट लॉफ है, ठीक है, फ्राइज है और सॉसेज है. ठीक है, तो ये बड़ा मज़े का है, इस्लामाबाद का बहुत फेमस है, ये तंदूरी रोटी में बनाना है. भैया बहुत मज़े की आइटम है ये, पहली बार कुछ ऐसा ट्राई किया है मैंने, और लाहौर में तो मेरा नहीं ख्याल ये मिलता होगा, नहीं कुछ भी नहीं ऐसा. चेक कर रहे हैं आप, फुली लोडेड काम है इसमें. अगर आप कोई नई चीज़ खाते हो तो
उस तरह वाली फील ऑब्वियसली नहीं आती, लेकिन ये है कि मतलब ऐसा नहीं होता मैंने यार सुनो सुनो ऐसी तरह क्या नहीं पसंद आया नहीं यार मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पसंद नहीं आया, पसंद जरूर आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यार कल भी यही काम है ठीक अब समझा तो मतलब ये इसकी इस बात से जो मैं कहना चाह रहा था वो क्लियर हो गया चलो ऐसा कह लो यार कोई बात नहीं, बहरहाल मैं जाने से पहले एक बार फिर ये खा के जाऊंगा अब ओके हो गया दूसरे वाला बनवा लूंगे हाँ कोई मतलब ये माइटी वाला ना बनवाई एटलीस्ट भाई इसको थोड़ा सा छोटा करके, मेरे से यार ये कुछ 70% खाया गया बाकी मेरी बात से हो गई थी मजे तो, की चीज़ यार हाँ चीज़ मज़े की थी बहरहाल यार दिन हमारा ओवरऑल अच्छा गुजरा और हेक्टिक भी था लेकिन मज़ा भी आया ट्रैवल किया एंड ऑल दैट, तो अभी ऑलमोस्ट सोने का सीन है तो कल की स्टोरी कल देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।